नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। भीम आर्मी के फाउंडर चंद्रशेखर इस वक्त पटना में हैं, लाइव सिटीज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं। जानेंगे हम चंद्रशेखर का उद्देश्य और क्यों बनाया उन्होंने भीम आर्मी, पटना में क्या करने के लिए आए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले हमें ये बताएं, आप पटना में हैं, पटना आने का क्या उद्देश्य? पहले तो आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और पटना के भी पूरे बिहार के जो बिहारवासी हैं उन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा पटना आने का उद्देश्य कि भीम आर्मी की टीम यहाँ काम कर रही है, तो मैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं 16 महीने बाद जेल से आया हूँ, तो मेरा मन था कि मैं उनसे मिलूँ और जो आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी पर हम लोग काम कर रहे हैं या वो जो संघर्ष कर रहे हैं उसको एक दूसरे को जान लें और जो आने वाले समय में हमारे उद्देश्य हैं उनको भी उन तक पहुँचाया जाए, तो इसलिए मैं पटना आया था। आप, हम गौर कर रहे हैं आपके, चूँकि जो यहाँ के लोग हैं, हमारे लाइव सिटीज हमेशा संपर्क में रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में मैंने आप काफ़ी टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन का बिताया है, गांधी मैदान में की जो स्पीच मैं सुन रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ देने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मोटिव है? देखिए, ऐसा है कि साहब काशीराम जिन, जो मेरे आदर्श, उन्होंने कहा कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ है जो हल्के हवा के झोंके से गिर जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम जो माहौल बन रहा है देश के अंदर और जो सरकार सेंटर में है, जो सेंटर को चला रही है, वो सरकार संघ से चल रही है, उनका एजेंडा है संविधान खत्म करने का। हम संविधान के समर्थक लोग हैं, तो हम सामाजिक रूप से वो 85% समाज जो है, बहुजन समाज, को एकजुट कर रहे हैं कि वो गलती ना करे, गुमराह ना हो, और इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए इन्हें तैयार कर रहे हैं। तो ये क्रांति की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि हमारा वजूद संविधान से है, तो संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब को जिंदा रखने के लिए मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप पूरे विस्तार से बताएं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है और क्यों लगता है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी देश में दलित कहीं ना कहीं आपको पिछड़ा महसूस? देखिए, मैं एक ही लाइन में जवाब दे दूंगा। बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा को पैदा करना। जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था, हम उसको पूर्ण रूप से स्थापित करवाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब ने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी बुरा हो, उसे अगर चलाने वाले हाथ अच्छे, उनकी नीयत अच्छी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अंततः अच्छा ही साबित होगा। और बाबा साहब ने कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वालों की नीति गलत होगी, उनकी नीयत साफ नहीं होगी, तो वो संविधान अंत बुरा ही साबित होगा। एट प्रेजेंट टाइम वही हो रहा है। संविधान जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो लोग नीति बना रहे हैं, उनकी नीति है कि जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था लागू हुई है, ब्राह्मण वैसे शूद्र वाली, ब्राह्मण बनिया वैसे क्या नाम, ब्राह्मण ठाकुर और शूद्र वाली, तो इस व्यवस्था को वो लोग बना के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं बहुजन समाज जो है, जो शूद्रों में आता है, उसको दबा के रखा जाए, उसके अधिकार सीमित रखे जाएं। ये नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र है, सबको बराबर का अधिकार है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के संविधान को पूर्ण स्थापित हो, जो उसमें अधिकार 85% लोगों को मिले या वो तो पूरे देश को मिले, पूरी दुनिया को मिले, पूरे समाज को मिले, तो वो लागू कराना, उसको स्थापित कराना हमारा लक्ष्य है भीम आर्मी के माध्यम से। बिहार में दलितों की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? मैं अब तो पूरे बिहार की स्थिति को देखता हूँ कि पूरे देश में अगर कहीं कमज़ोर तबका जो है सबसे, जो क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं हो, पूरे देश में रोज़गार के लिए जाता है, तो इसका मतलब वो हालत बड़ी ख़राब है। और जैसे मुझे अभी पता लगा नालंदा में 20 से ज़्यादा दलितों की हत्या हो चुकी है, कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, तो ऐसे में जहाँ इतनी बड़ी संख्या में हत्या हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो, तो इसका मतलब दलित यहाँ अपने आप को बड़ा पीड़ित महसूस कर रहा है। और अधिकार के तौर पर तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 अप्रैल में मुझे आज पता लगा 50,000 FIR है, 50,000 लोगों मुकदमा है, तो एक तरह से उत्पीड़न का शिकार है दलित बिहार में। तो चंद्रशेखर क्या करेंगे बिहार के दलितों के लिए आने वाले समय में? उन्हें जागरूक करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, दलितों के साथ मुस्लिम भाइयों को भी, ओबीसी भाइयों को भी इकट्ठा करेंगे, एक मजबूत ताकत बनाएंगे जो सरकार को झुका सके, अपनी जो आंदोलन करके, अपनी मूवमेंट चला के, जो सरकार को जो है दबाव बना के, अपने जो मुद्दे हैं उन पर काम करवा सकें। चंद्रशेखर क्या इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने इस भीम आर्मी को, जो तमाम लोग हमारे हम देख रहे हैं, उनको एक पॉलिटिकल संगठन के रूप का रूप भी दें और एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी भी आप बनाने के लिए सोच रहे हो? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। तो फिर ये संगठन आप कैसे काम करेगी? ये संगठन पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है, ऐसे करता आ रहा है, ऐसे करता रहेगा। आंदोलन करेंगे, जब हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब हमारी FIR लिखी जाएगी, तो जो टीम हम तैयार करें वो जाकर FIR कराएगी, अगर फिर भी लिखे जाए तो आंदोलन होगा, फिर जब तक गिरफ्तार नहीं तब भी आंदोलन होगा। जब भी संवैधानिक दृष्टिकोण से किसी अधिकार को सीज किया जाएगा तो हम सड़कों पर आएंगे, और भैया सड़क पर आदमी तब आता जब वो परेशान हो जाता है, जब वो बिल्कुल उसे कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं रहती। तो हम तैयार करें लोगों की, देश में बेरोजगारी की इंतहा हो चुकी, 83 करोड़ लोग एक सर्वे के अनुसार देश के बेरोजगार हैं, तो जब बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए प्रयत्न करेंगे, अपना ही सामूहिक रूप से एक एजेंडा बनाएंगे जिस पर जो है रोजगार मिल सके, तो नीतियाँ बनाएंगे, पहले एकजुट हो जाए, समाज एकजुट हो जाएगा, तो फिर कुछ ना कुछ हल निकलेगा ही।
चंद्रशेखर, आप एक प्रखर नेता के तौर पे पूरे देश के नेशनल मीडिया में, पूरे देश में आप उभर रहे हैं, हम लगातार फॉलो करते हैं, पटना में भी फॉलो करते हैं, क्योंकि बिहार हैं आए हैं और इतने बड़ी पैमाने पे आपने फंक्शन यहाँ पे किया है, हमें ये बताएं बिहार में जो बिहार की आज की वर्तमान सरकार है, चंद्रशेखर बिहार की वर्तमान सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो सरकार जो है उसको दो धड़ों बटी हुई है। जब वो बहुजनों के साथ थी तो उन्होंने काम किया है, जब से उन्होंने बीजेपी के साथ तब से दलितों पे, ओबीसी पे, माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है, अगर हक की बात कोई तो उस पर ठब्बा। आज तो आज का समय ऐसा है कि जो सरकार उनके साथ उस गठबंधन में है वो सरकार तय करती है कौन आदमी देशभक्त है, कौन देश विरोधी है। तो ऐसे समय में मेरा पूरा वो है कि वो भी सही तरह काम नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। आज गांधी मैदान में आपकी रैली थी, क्या बोला आपने, क्या रहा आपके स्पीच का मुद्दा? मेरा मेन उद्देश्य, मेरे जो मैंने बात रखी उसके बाद जो यहाँ की जो घटनाएं मुझे पता लगी उसके बाद मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं लोगों को जागरूक करूं कि जो लोग आपके अधिकारों पर डाका डालना चाहते हैं, जो SC ST एक्ट का विरोध करते हैं, जो आपके आरक्षण का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देके हम लोग मजबूत ना करें, ऐसे लोगों का विरोध करें। तो ये मेरा एक बहुत जरूरी मुद्दा था। मैंने कई मुद्दों से अवगत भी कराया है कि उन पर सरकार की नज़र भी डाली है, जैसे एक मुद्दा है मुंगेर वाला जहाँ दलितों का रास्ता रोका गया है, तो मैं चाहता हूँ सरकार उस पर कार्रवाई करे, ठीक है, न्याय दिलाए, वरना मजबूरी में हमें उधर की तरफ रुख करना पड़ेगा और जाके अपने लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि कमजोर नहीं है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है, भीम आर्मी का क्या रोल होगा? मैं आपको पहले बता दें, सोशल अवेयरनेस कर रहे हैं, सोशल एकजुटता बढ़ा रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं ये लोगों को गुमराह ना कर दें, बांट ना दें, टुकड़ों में ना वो कर दें और फिर अपना राजनीतिक लाभ ना ले लें, तो इसलिए सामाजिक रूप से समाज को मजबूत कर रहे हैं, बहुजन समाज को एकजुट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है चंद्रशेखर, चूंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते होंगे, हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की और जो प्रोफाइल आपका? देखिए, मैं एक गांव पड़ता है छुटमलपुर, जो सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है, और मैं लो ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरी पढ़ाई देहरादून में हुई, उत्तराखंड में, और मैं पिछले 11-12 साल से मूवमेंट को चला रहा हूँ, साहब काशीराम की मूवमेंट को। तो अब मेरा प्रयास ये है कि अब मेरे पास उद्देश्य है कि मैं बहुजनों को शासक बनना चाहता हूँ, तो पहले शासक बनने के लिए कोई नीति होती है, नीति है सबसे पहले इनको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरोगी कीमत होती है। और मैं ये मानता हूँ, साहब काशीराम ने हमें सिखाया है कि आप में समर्पण होना चाहिए, आप में त्याग होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, आप में काम करने के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे अब व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं, मैं समाज को मजबूत देखना चाहता हूँ, जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन साहब चलाते थे उसको मैं जमीन पे धरातल पे देखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार आपके खिलाफ नजर आई थी, 16 महीने आपने जेल में बिताया है, जेल का अनुभव कैसा रहा है चंद्रशेखर का? देखिए, एक क्रांतिकारी के लिए जेल गहना होती है, उन्होंने वो मुझको मजबूरी से बंद किया था, तो लेकिन वो मेरे लिए जो है, जो उन्होंने अभिशाप लगाया था वो मेरे लिए वरदान साबित हुई है कि मुझे इतना प्रेम मिला है अब और एक उद्देश्य मिल गया है जो पहले नहीं था। उद्देश्य है कि मैं मुझे अपने जैसे लोग तैयार करने हैं जो समर्पित हों, जो व्यक्तिगत लाभ छोड़ के मूवमेंट के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। धन्यवाद। तो ये चंद्रशेखर थे, पहली बार बिहार आए हैं और पटना में इन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया है, गांधी मैदान में अभी अभी रैली की है। रैली के बाद चंद्रशेखर जो लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, उसमें उनका कहना है कि हालांकि उनका कोई विचार नहीं है कि आने वाले वक्त में वो एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक पार्टी को बनाएं, मगर इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में दलितों को लेकर करके जो पूरे देश में एक सोशल अवेयरनेस होता है, सामाजिक चेतना होती है, इस चेतना को वो आगे बढ़ाएंगे। अपने सहयोगी अक्षय आनंद के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज पटना। इस महामारी की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे चीफ गेस्ट आजाद राहुल जी, प्रदेश अध्यक्ष अमर आजाद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ पासवान जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी जावाद साथी एवं बिहार के कोने कोने से आए सभी युवा सभी को कार्तिक सावधान रहना से बिल्कुल। इस बार बता रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हारे बीच जाते हैं, चिपचिप बातें करते हैं, ये उनके मोहरे बन जाते हैं। हम मोहरों के साथ नहीं है, इस बार हम ईमानदार लोगों के साथ हैं। तो तैयार रहना, अपनी एकता को मजबूत रखना। एक दूसरे